our channel Fantasy Fortune. इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल मैच जो खेला जाएगा चेन्नई में. क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11, क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम, ग्रैंड लीग की क्या टीम्स रहने वाली है और क्या रहेंगी मेरी मैच प्रेडिक्शंस इस मैच की, तब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. सब पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आने वाला है. तो बात करें वेन्यू की, सो एमएस चिदंबरम स्टेडियम में मैच खेला जाएगा. अभी तक यहां पर जो 132 मुकाबले खेले गए हैं उसमें से चेजिंग टीम ने 60 बार मैचेस जीते हैं और 70 बार बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम ने मैचेस जीते हैं और जो 159 का यहां पर एवरेज स्कोर रहा है. अब स्पिनर्स यहां पर मदद मिलती है और जैसे जैसे मैचेस अब यहां पर रेगुलर होते रहेंगे स्पिनर्स जो है गेम में आ सकते हैं, तो मुझे लगता है इस मैच में भी जो है स्पिनर्स अच्छा करके आपको दे सकते हैं. अगर हम बात करें हेड टू हेड की, तो 10 मुकाबले जीते हैं केकेआर ने और वहीं 18 मैचेस जो जीते हैं वो जीते हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने. अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाना. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फैंटेसी फॉर्च्यून के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसी के थ्रू जुड़िएगा. सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि फेक चैनल्स काफी सारे हमारे नाम के. और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. तो बात करते हैं चेन्नई की. सो यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे, यहाँ पर रचिन रविंद्रा के साथ रहाने हैं, फिर शिवम दुबे आ जाते हैं एज इंपैक्ट पे खेल रहे हैं, मोइन अली हैं, डेरन मिचेल हैं, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, फिर यहाँ पर दीपक चहर, तुषार देशपांडे, तीक्षणा और मुकेश चौधरी लास्ट मैच में एज इंपैक्ट प्लेयर खेले थे लेकिन काफ़ी रन दे दिए थे एक ही ओवर में. तो बट हो सकता है कि टीम जो है एक और मौका इनको दे, अदरवाइज शार्दुल ठाकुर का भी ऑप्शन जो है वो नज़र आता है. वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर कोलकाता की, सो फिल सॉल्ट ओपन करेंगे सुनील नारायण के साथ, रघुवंशी आ जाते हैं एज अ इम्पैक्ट प्लेयर, फिर वेंकटेश अय्यर है, श्रेयस अय्यर है, रिंकू सिंह है, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, मिशेल स्टार्क. अब हर्षित राणा लास्ट मैच में बिना बॉलिंग करे जो है वो बाहर चले गए थे, तो सीरियस इंजरी शायद ना हो, बट हो सकता है इस मैच में शायद मौका मिले शायद ना मिले, देखते हैं क्या होता है. फिर यहाँ पर आ जाते हैं वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा जो है एज अ इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हुए आपको नजर आ सकते हैं, अदरवाइज इनको भी डायरेक्ट जो है हर्षित राणा की जगह रिप्लेस भी किया जा सकता है. तो रेगुलर जो आपको फ्री गिव अवे चाहिए तो विजन 11 डेली आपको फ्री गिव अवे देता है और एक नया ऑफर लाया है अपने न्यू यूजर्स के लिए. अगर आप विजन 11 ऐप डाउनलोड करते हैं और यूज करते हैं रेफर कोड फॉर्च्यून FORTUNE तो आपको मिल जाता है 100 रुपए का रियल कैश. ये रियल कैश है, बोनस नहीं है, इससे आप खेल सकते हो और विन करके आप विड्रॉ भी कर सकते हैं. सो अगर आपके पास विजन 11 ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. फॉर्च्यून रेफर कोड है FORTUNE, उसके थ्रू आपने डाउनलोड कर लेना, 100 रुपए का आपको रियल कैश भी मिल जाएगा. पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की. सो ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे रचिन रविंद्रा के साथ. अब देखो बात करते हैं गायकवाड़ की, 7 मैच में 260 रन है हेड टू हेड में और 10 मैच में 329 रन है वेन्यू पे. तो नंबर्स अच्छे हैं लेकिन फॉर्म अभी तक उतनी इन्होंने पकड़ी नहीं है, बट मुझे लगता है अब धीरे धीरे जो है फॉर्म में आ जाएंगे, अच्छा कर सकते हैं. सामने खतरा किससे हो सकता है, मिचेल स्टार्क से, क्योंकि लेफ्टी बॉलर्स के अगेंस्ट जो है ना लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की बॉल पर जो है फंसता है ये खिलाड़ी और सामने जो है मिचेल स्टार्क है जो एक अच्छा बॉलर भी है. आप फिर भी यहाँ पर जो है अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है स्मॉल लीग में मैक्सिमम लोगे कैप्टन वाइस कैप्टन जो है वो नारायण और यहां पर रसल का ही कॉम्बिनेशन आने वाला है. बट मुझे लगता है इस मैच में अच्छा कर सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़. बात करते हैं रचिन रविंद्रा. रचिन रविंद्रा 2 मैच से फ्लॉप रहे हैं लेकिन उससे पहले अच्छा कर रहे थे और 2 मैच में यहां पर 83 रन है इस वेन्यू पे, तो अच्छा कर सकता है ये खिलाड़ी और बॉलिंग भी आपको करके दे सकता है जरूरत आने पर. तो ये खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा स्मॉल लीग में, अगर कुछ अलग ट्राई करना है रिस्क लेकर खेलना है तो कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं. फिर यहाँ पर आएंगे अजिंक्य रहाणे. रहाणे जो है अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं 13 मैच में, लेकिन जो है इस वेन्यू पर अच्छे नंबर नहीं है, सिर्फ 16 का ही औसत है, हेड टू हेड में लगभग 30 का औसत आ जाता है. तो प्लेयर अच्छा है, वन डाउन कर रहा है तो, और अगर यहाँ पर टॉप ऑर्डर में ना सपोज 10 ओवर तक भी बैटिंग टिक जाती है फिर यहाँ पर जो है इनका डिमोशन हो सकता है, फिर यहाँ पर आपको दुबे का प्रमोशन आपको देखने को मिल सकता है, डेरल मिचेल का देखने को मिल सकता है. अदरवाइज रहाणे अच्छा कर रहे हैं और 20-30 रन बनाकर आपको दे सकते हैं इस मैच में, तो अगर ट्राई करना है तो रख सकते हो अपनी टीम में. फिर यहाँ पर आएंगे शिवम दुबे. शिवम दुबे बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, 10 मैच में 250 रन है इस वेन्यू पे और 5 मैच में 141 रन है, और जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं भाई कमाल का खेल रहा है खिलाड़ी. बैटिंग फर्स्ट करते हुए तो मस्ट हैव पिक रहता है क्योंकि बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं. चेजिंग के टाइम पे अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो एक बार को ड्रॉप कर सकते हैं. मोइन अली इस मैच में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लास्ट मैच में जो है 2 विकेट निकाले थे इस मैच में. एक तो चेन्नई में विकेट है, चेन्नई में मैच है और यहाँ पर सामने की टीम में ना जो है लेफ्टी बैट्समैन काफ़ी सारे हैं, तो इनका रोल जो है वो बॉलिंग से इंपॉर्टेंट हो जाता है. बैटिंग थोड़ा नीचे ही कर रहे हैं तो, लेकिन बट बॉलिंग से इनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है. हो सकता है आपको इस मैच में 3 से 4 ओवर करते हुए आपको नजर आ सकते हैं. डेरल मिचेल हैं,
अब क्योंकि मोइन अली आ गए हैं तो इनके बॉलिंग के चांसेस जो हैं थोड़े कम हो जाते हैं। प्लेयर बहुत अच्छा है ये और बैटिंग फर्स्ट करते हुए अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इनका सिलेक्शन अब कम हो चुका है, लेकिन जितनी बैटिंग इनकी आई है इन्होंने अभी तक अच्छा ही किया है। फिर आएंगे रविंद्र जडेजा, इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बॉलिंग से देखें तो 32 मैच में इस वेन्यू पे 30 विकेट हैं और 26 मैच में हेड टू हेड में भी दो यहाँ पर जो है 21 ही विकेट हैं, और सामने की टीम में लेफ्टी बैट्समैन है तो हो सकता है बॉलिंग से उतना इंपैक्टफुल ना नजर आए, बट क्योंकि ऑलराउंडर बहुत तगड़ा है, बैटिंग से बहुत तगड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, प्लस फील्डर हैं और एक आधा विकेट निकाल लेंगे तो आपको ऑलराउंडर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन शायद मैं सजेस्ट ना करूँ स्मॉल लीग में, बट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं तो स्मॉल लीग के लिए एज अ नॉर्मल प्लेयर जरूर इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर आ जाते हैं एम एस धोनी जो है बैटिंग से अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं जितना मौका मिला है इनको। अब नंबर्स तो इनके हमेशा अच्छे ही रहते हैं हर टीम के अगेंस्ट, और लेकिन अगर आप कुछ ना ग्रैंड लीग में देखो, स्मॉल लीग में फिल सॉल्टी अच्छे हैं क्योंकि ओपन कर रहे हैं प्लस विकेट कीपिंग कर रहे हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में अगर आप चाहें तो ना तो फिर इनको एम एस धोनी को बैटिंग फर्स्ट करते हुए ग्रैंड लीग में भी ट्राई आप कर सकते हैं। फिर आएंगे दीपक चाहर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पेशली अगर यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान जो है वो भी वीज़ा के लिए गए हुए हैं तो ये वाला मैच भी जो है शायद मिस करते हुए नज़र आ सकते हैं, खेलते हैं सो इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है दीपक चाहर अगर क्योंकि नहीं खेलते हैं पथिराना, नहीं खेलते हैं रहमान, तो फिर दीपक चाहर के ऊपर काफ़ी जो है रोल बढ़ जाता है। और इनके नंबर्स अच्छे हैं, 16 मैच में 22 विकेट हैं वेन्यू पे और 9 मैच में 11 विकेट हैं हेड टू हेड में, तो एक इंपॉर्टेंट चॉइस बन जाती है स्मॉल लीग में। तुषार देशपांडे देखो ये खिलाड़ी ऐसा है 10 मैच में 12 विकेट हैं और यूजुअली विकेट लेस जाता है, इनकी पिटाई होती है, लेकिन ये वो बॉलर है कि अपने दिन पे 3-4 विकेट भी आपको निकाल के दे सकता है, ये इस तरीके का खिलाड़ी है, तो स्मॉल लीग के लिए रिस्की रहेंगे, लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आप इन्हें अपनी टीम में ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें तिक्षणा की, अब देखो तिक्षणा अच्छा बॉलर है, स्पिनर को मदद रहती है, बट इनके चेन्नई में नंबर हमेशा बड़े बेकार रहते हैं, सामने की टीम में लेफ्टी बैट्समैन भी काफ़ी हैं तो अच्छा करना चाहिए, लेकिन ये चेन्नई में विकेट लेने को रेडी ही नहीं रहते हैं, 8 मैच में सिर्फ 3 विकेट हैं इनके इस वेन्यू पे, तो ये चीज़ है अगर आप वेन्यू के ऊपर देखना चाहें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप कंडीशन वैसे देखें कि भाई ऑफ स्पिनर है और सामने की टीम में लेफ्टी बैट्समैन काफ़ी हैं तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। मुकेश चौधरी ग्रैंड लीग में रिकमेंड करूंगा, स्मॉल लीग में रिस्की ही रहेंगे। डेथ बॉलिंग की बात करें दीपक चाहर हैं और देश पांडे हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें सुरचिन रविंद्रा हैं, गायकवाड़ दुबे, रविंद्र जडेजा और चाहर, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो इस टीम से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपकी क्या प्रेडिक्शन होने वाली है इस मैच की, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बात करते हैं यहां पर कोलकाता की, तो फिल सॉल्ट ओपन करेंगे नारायण के साथ, फिल सॉल्ट जो है एक मैच में 17 रन है, हेड टू हेड में 2 मैच में जो है 20 रन है, तो नंबर उतने अच्छे नहीं है, बट क्योंकि ओपन करते हैं और ताबड़तोड़ खेलते हैं तो एक मस्ट हैव पिक आपके लिए बनी जाती है। दूसरी तरफ जो ऑप्शन आ जाते हैं वो यहाँ पर एम एस धोनी के है, तो स्मॉल लीग में मेरे हिसाब से मस्ट हैव पिक बन जाती है फिल सॉल्ट। फिर आएंगे नारायण का अब काम सिंपल सा गंभीर ने दे दिया है भाई, जो पहले उनके टाइम पे होता था स्टार्टिंग में जाओ चौके छक्के लगाओ और आ जाओ, और लेकिन भाई पिछले मैच में तो भाई तबाही मचा दी, 85 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं, तो मस्ट हैव पिक आपके लिए बन जाते हैं। 9 मैच में जो है 13 विकेट भी है इस वेन्यू पे, तो एक कैप्टन वाइस कैप्टन की भी अच्छी चॉइस आपके लिए बन जाती है स्मॉल लीग में। फिर यहाँ पर आएंगे रघुवंशी, अब देखो रघुवंशी ने लास्ट मैच में सबको इंप्रेस किया, काफ़ी अच्छा बैटर है और ये आने वाला फ्यूचर हो सकता है, और ये खिलाड़ी आप कब ले सकते हो देखो, अब क्योंकि ना KKR का मिडिल ऑर्डर का जो है बैटिंग डाउन कंफर्म नहीं है, तो चांसेस क्या है कि ये लेफ्टी राइटी वाला कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। अगर तो पहले आउट होते हैं फिल सॉल्ट तो आएंगे रघुवंशी, ठीक है ना, ये ग्रैंड लीग में ये चीज़ यूज़ करना है, और अगर पहले आउट होते हैं यहाँ पर सुनील नारायण तो आ सकते हैं वेंकटेश अय्यर, तो इस वजह से ये खिलाड़ी रिस्की रहेंगे, क्योंकि अगर पहले यहाँ पर जो है लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन चलाया तो हो सकता है इनको फिर नीचे भी खिलाया जा सकते, बट ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना क्योंकि ये प्लेयर बहुत अच्छा है और लास्ट मैच में भी अच्छी इनिंग करके खेल के आ रहा है। वेंकटेश अय्यर हल्के से रिस्की हो जाते हैं, अगर आपको लगता है सुनील नारायण का पहले विकेट जा सकता है तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म में अच्छी है, पिछले मैच में जो मौका मिला था उसमें 50 की पारी खेली, लास्ट मैच में तो बैटिंग ही बिल्कुल एंड में आई थी, तो क्या ही बोलें, बट रिस्की रहेंगे थोड़े स्मॉल लीग में। फिर यहाँ पर आएंगे श्रेयस अय्यर एक डिफरेंशियल पिक साबित हो सकती है, अभी तक बहुत खास पारी नहीं खेली है और 12 मैच में जो है यहाँ पर 256 रन है हेड टू हेड में और 2 मैच में 51 रन है वेन्यू पे, लेकिन बैटिंग फर्स्ट करते हुए अगर कुछ अलग ट्राई करना है तो श्रेयस अय्यर आप ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे रिंकू सिंह बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन अब थोड़ा मौका कम मिल रहा है इनको, तो एक
रिस्की पिक बनते हैं स्मॉल लीग में, ट्राई करना है तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई कर सकते हो, बट थोड़ा रिस्की ही रहने वाले हैं स्मॉल लीग में। आंद्रे रसल की बात करते हैं, रसल जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे, 8 मैच में 8 विकेट है वेन्यू पे और 205 रन भी हैं, और 14 मैच में भी 9 विकेट हैं और 371 रन है, तो अच्छे नंबर हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन की एक शानदार चॉइस बन जाते हैं। रमनदीप सिंह जो है इनकी जब बैटिंग आएगी तो ये अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बैटिंग कब आएगी वो देखना होगा, बॉलिंग कितनी करेंगे वो देखना होगा, तो मैं इग्नोर ही करने को कहूँगा। प्लेयर अच्छा है, जर्नी फॉलो कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में तो रिस्की रहेंगे। फिर आएंगे मिचेल स्टार्क, लास्ट मैच में कमबैक किया, 7 मैच में जो है 10 विकेट है हेड टू हेड में, और यहाँ पर जो है 5 मैच में 7 विकेट हैं, तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और मेरे हिसाब से एक मस्ट हैव पिक बन जाती है स्मॉल लीग में। हर्षित राणा खेलते हैं तो अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन लास्ट मैच में अब इंडिया के जो टीम्स है ना, अब उन्हें ये चीज़ फोकस करना होगा कि जो इंडिया के फास्ट बॉलर्स हैं, ये नए फास्ट बॉलर का हर्षित राणा देखें, मयंक यादव देखें, तो भाई ये बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं और ये आने वाले टाइम का फ्यूचर हो सकती है। लेकिन अगर आप देखें 2 मैच खेले, 3rd मैच में इन्होंने कंधा पकड़ लिया था, मयंक यादव ने जो है आज का जो मैच हुआ था उसमें ये एक चीज़ कर ली थी कि एक ओवर डाल के वो भी इंजर्ड हो गए, तो थोड़ा सा इनकी फिटनेस पर ध्यान देना होगा ताकि ये आने वाले टाइम में अच्छा कर सकें। खेलते हैं तो अब देखना होगा यार कितना फिट है, क्योंकि अगर वही चीज़ हो जाए कि आपने लिया है और फिर ये इंजर्ड होकर बाहर चले जाएँ तो वो रिस्क हो जाता है, अदरवाइज़ ये बॉलर अच्छा है, अगर खेलता है तो ट्राई कर सकते हो क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर है। वरुण चक्रवर्ती चेन्नई में अच्छा कर सकते हैं, 5 मैच में 7 विकेट हैं और 8 मैच में 9 विकेट हैं हेड टू हेड में, और ये खिलाड़ी आपके लिए डिफरेंशियल पिक साबित हो सकता है क्योंकि इनका सिलेक्शन काफ़ी कम है। वैभव अरोड़ा की बात करें, लास्ट मैच में कमाल की बॉलिंग करी है, हेड टू हेड में 2 मैच में 3 विकेट है, वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट है, हो सकता है इनको डायरेक्ट प्लेइंग 11 में खिला लिया जाए इस मैच में, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, इनके पास अर्ली स्विंग है और अच्छा कर सकता है जैसे लास्ट मैच में इन्होंने किया है। डेथ बॉलिंग की बात करें, यहाँ पर हर्षित राणा अगर खेलते हैं, स्टार्क और रसल है, इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें तो सॉल्ट, यहाँ पर नारायण, फिर यहाँ पर श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल और मिचेल स्टार्क, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो इस टीम से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करते हैं स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो सुनील नारायण और यहाँ पर रसल का ही मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग कॉम्बिनेशन लेके आएंगे, कुछ अलग ट्राई करना है तो रविंद्रा और गायकवाड़ को भी ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं ग्रैंड लीग कैप्टन वाइस कैप्टन की, सो मोइन अली को ट्राई कर सकते हो, फिल सॉल्ट ने, श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा, ये कुछ खिलाड़ी है जिनको आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरी प्रिडिक्शन की, तो फैंटेसी फॉर्च्यून प्रिडिक्शन की, तो कौन से खिलाड़ी हिट हो सकते हैं। अब देखो सुनील नारायण ओपन करते हैं, चार ओवर करते हैं, इवन दो यहाँ पर दीपक चाहर खतरा क्रिएट कर सकता है, बट फिर भी जो है क्योंकि 4 ओवर है और ओपन करते हैं, मुझे लगता है एक अच्छी परफॉर्मेंस आ जाएगी। रसल अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, तो मुझे लगता है कल के मैच में अच्छा कर सकते हैं। गायकवाड़ इवन दो स्टार्क से थोड़ा सा दिक्कत है, स्टार्टिंग या उनके ओवर निकाल दे तो कल बड़ी इनिंग आ सकती है, तो मुझे लगता है ये 3 खिलाड़ी अच्छा कर सकते हैं। एवरेज परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे लगता है मोइन अली आपको ठीक ठाक पॉइंट फैंटेसी पॉइंट्स इस मैच में दे सकते हैं। दीपक चार से ही मैं 1 से 2 विकेट एक्सपेक्ट करता हूं, और सेम जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि स्टार्क विकेटलेस ना जाए, 1 से 2 विकेट आपको निकाल के दे दें। अब ऐसे खिलाड़ी जो शायद उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना दें तो वेंकटेश अय्यर, अब देखो वेंकटेश अय्यर का क्योंकि अगर डाउन वन डाउन नहीं आता फिर मुझे लगता है फिर आ जाएंगे अय्यर हैं, फिर यहाँ पर रिंकू हैं, रसल हैं, फिर उनकी बैटिंग आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो रिस्की रहेंगे। रहने वन डाउन पर अच्छा कर रहे हैं, एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन बड़ी इनिंग नहीं आ रही है, तो 20 से 30 रन आपको बना के दे सकते हैं, शायद उतना अच्छा ना करें। रविंद्र जडेजा मैंने क्रॉस नहीं लगाया क्योंकि ये बैटिंग से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, लेकिन बॉलिंग से जो है शायद उतना अच्छा ना करें, तो कैप्टन वाइस कैप्टन शायद आप ट्राई ना करो, स्मॉल लीग में तो बेटर रहेगा। बात करते हैं ट्रम्प कार्ड की, तो यहाँ पर ट्रम्प कार्ड पिक्स कौन से हो सकते हैं। ग्रैंड लीग अगर खेल रहे हो तो एम एस धोनी जो है देखो फॉर्म में अच्छी नज़र आ रहे हैं और विकेट कीपिंग से तो हमेशा पॉइंट्स देते ही हैं, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं, बट ओनली फॉर ग्रैंड लीग। रघुवंशी एक अच्छा यंग खिलाड़ी है, वन डाउन आता है तो रन करके दे सकता है, सिलेक्शन कम होगा लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आएगा श्रेयस अय्यर, यहाँ पर जो है बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक डिफरेंशियल पिक साबित हो सकती है। यहाँ पर आएंगे चक्रवर्ती और डैरल मिचेल, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो अगर आप ट्राई करते हैं स्मॉल लीग में तो आपके लिए रिस्की पिक बन सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है एमएस धोनी ये तो इनको आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, स्मॉल लीग में नहीं। ठीक है, बात कर लेते हैं विनर प्रेडिक्शन की, कौन सी टीम ये वाला मैच विन कर सकती है। इवन दो दोनों टीम्स जो हैं बहुत स्ट्रांग हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये वाले मैच में थोड़ा सा सरप्राइज कर सकती है केकेआर, और केकेआर ये वाला मैच विन कर सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए अब क्रिएट करते हैं अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में, दो ऑप्शन आ जाते हैं, एमएस धोनी या फिल सॉल्ट ने। स्मॉल लीग में मैंने फिल सॉल्ट को अपनी टीम में रखा है। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में, रविंद्रा और गायकवाड़ को अपनी टीम में रखा है, और यहां पर शिवम दुबे को भी मैंने अपनी टीम में रखा हुआ है। आप चाहें तो यहां पर किसी एक को ड्रॉप करके श्रेयस अय्यर एक अच्छी पिक है, रहाने को ट्राई कर सकते हैं, रघुवंशी हैं तो ऑप्शंस काफी हैं, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में रसल, यहां पर नारायण
ब्रायन दोनों मस्ट हैव पिक बन जाते हैं। मोइन अली और जडेजा को मैंने ट्राई किया, आप चाहें तो डैरन मिचेल को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। बात करते हैं बॉलिंग में, सो यहाँ पर दीपक चाहर को लिया मैंने, स्टार्क को लिया और फाइनल पिक में मैंने वरुण चक्रवर्ती को रखा हुआ है। तो ये बन जाती है हमारी स्मॉल लीग की टीम। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन जो है मैंने रसल को किया, वाइस कैप्टन जो है मैंने सुनील नारायण को किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रैंड लीग टीम्स की। सो टीम वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुनील नारायण को हमने कैप्टन किया है और वाइस कैप्टन जो है हमने गायकवाड़ को रखा हुआ है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ चलें, सो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने मोइन अली को वाइस कैप्टन किया हुआ है और कैप्टन जो है हमने रसल को रखा हुआ है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ चलें तो यहाँ पर गायकवाड़ को कैप्टन किया हुआ है और वाइस कैप्टन जो है वो हमने रसल को किया हुआ है। एक और जो कॉम्बिनेशन आपके लिए बनाया है उसमें हमने सुनील नारायण को कैप्टन किया हुआ है और वाइस कैप्टन जो है वो रचिन रविंद्रा को रखा हुआ है। तो आप इसी तरीके से मल्टीपल टीम्स क्रिएट कर सकते हैं और किसी एक प्लेयर को भी मल्टीपल टीम्स में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई है, सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन की कौन होने वाली है। साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट गाइस।